जिसमें कुछ फीचर इन्वर्टिब्रेट जैसे हैं और कुछ फीचर कॉर्डेट जैसे हैं इसलिए हम लोगों ने इसे एट द जंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट और कॉर्डेट रखा हुआ है इसलिए इसका नाम क्या हो गया हैमी और कॉर्डेटा आर फीचर लेट्स टू द वाइट बोर्ड यस डियर स्टूडेंट्स यू नो वी हैव स्टार्टेड हैमी कॉर्डेटा इंट्रोडक्शन में मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं कि हैमी का मतलब होता है थोड़ा सा या पार्शल तो इसमें कुछ ख़ूबियाँ जो हैं वो कैसी हैं इनवर्टिब्रेट जैसी और कुछ कॉर्डेट्स जैसी तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं हेमे कॉरेट और यही उसका डायग्नोस्टिक फ़ीचर भी है कि इनमें जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर लाइक like, वो किस जैसी हैं दे आर लाइक इनवर्टिब्रेट्स और जब मैं जब मैं बात करता हूँ इनवर्टिब्रेट्स की तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट ए काइनोडरमेटा राइट So its few features are resembling echinoderms, and other features are like chordates. So, jin organisms may ye dono feature jayenge, or unki body kaisi hogi? very soft. Unhe pe place kar Hemichordata. Now we want to discuss a few, uh, few of its important features. For example, what is its evolutionary status? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप लोगों की बुक को मैंने जाहिर फॉलो करना है तो इसकी सबसे पहले जो फीचर आपकी बुक में गिवन है इज़ तो स्मेट्री के लिहाज से दीज ऑर्गेजमेटरलिट्रिकल ठीक है और आपको पता है इसमें कोई मुश्किल सी बात नहीं है कि हम इस ऑर्गेजम को सिर्फ एक ही प्लेन यानी कि हेड टू टेल डायरेक्शन में हम सिर्फ इसे टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इट मीनस डेफिनेटली वी कैन नॉट प्लेस दम वेरी क्लोज टू द रेडियल एनिमल्स और अगर मैं इसकी स्टोमी की बात करूं तो नो you know, मैंने बहुत, बहुत आप लोगों से कि इसका कौन सा पोर माउस बनता है और कौन सा पोर इसका एनस बनता है तो दीज ऑर्गेनिज्म आर बेसिकली ड्यूटेरोस्टोम्स और आपको ये दीज ऑर्गेजम्स आर बेसिकली ड्यूटेरोस्टोम डूटेरोस्टोम एंड इफ यू लू कैटेट्स सिलोम दे आर सिलोम इज वॉट देर सिलोम इज ट्रू सिलोम अब यह सिलोम कहा एग्जिस्ट करती है और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है बट दे आर ट्रू सिलोम ना वी वॉन्ट टू सी देर लोकेशन जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला कि दीज ऑर्गेजम दे आर लाइंग एट द जंक्शन ऑफ एट द जंक्शन ऑफ एट द जंक्शन ऑफ किस किस जंक्शन पे है स्टूडेंट्स डेफिनेटली एकाइनोडर्मेंट एंड कॉडेटा राइट तो एक और कॉडेटा के दरमियान में करके समवेयर हेयर यहां कहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या प्रेजेंट है पॉइंट And now two examples are given in your book. One of them is called as look at this image, one of them is called as blanoglossus, and other one is called as sacoglossus. Blenoglossus and Sacoglossus. Now we want to discuss their important features, and very first feature is the texture. अगर मैं इनके टेक्सचर की बात करूं तो आपको याद होगा मैंने डायग्नोस्टिक फीचर में भी लिखा था कि दीज आर बेसिकली सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म तो इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट है और जो बॉडी है उसकी शेप किसी वर्म की तरह से है वर्म लाइक -like. लेकिन हम फिर भी इसको नहीं प्लेस कर रहे हैं वेरी क्लोज टू द इनवर्टिट बल्कि हम इसे कॉर्डेट्स के ज्यादा पास रख रहे हैं और कॉर्डर से भी दूर रख रहे हैं उसकी रीजन हम अभी उससे बार डिस्कस करेंगे

कि जो मुंह के सुराख से आगे निकला होता है दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली प्रोबोसिस जैसे कि आप एलिफेंट को भी देखते हैं तो एलिफेंट का भी नाक जाहिर है उसके मुंह से आगे निकला हुआ है राइट और अगर आप लोग डिफरेंट किस्म के जो हिंदू स्कल्पचर में जो गॉड्स हैं उनमें से एक गॉड की नाक भी निकली हुई होती है सो दैट वेरी पार्ट दैट इज प्रोडिंग इन फ्रंट ऑफ द माउथ जो माउथ से आगे निकला हुआ पार्ट है हम उसे क्या बोलते हैं प्रोबोसिस राइट अब ये जो प्रोबोसिस है इसके बारे में कहा जाता है कि ए, इट बियर्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने माइंड में रखनी है कि इसकी प्रोबोसिस का फंक्शन एक्सक्रीटरी है यखलुकु मा या शाह तला की ज़्यादा हो तो चाहे पैदा कर सकती है तो एंटीरियर मोस्ट पोर्शन इट इज बेसिकली प्रोबोसिस और उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है इट इज कॉल्ड एज द कॉलर जो सेकेंड पार्ट है इट इज कॉल्ड एज अ कॉलर और ये काफी रेक्टिकुलर सा पार्ट है काफी डिमार्केटेड नजर आता है और इसके एंड पे एक इलांगेटेड काफी लंबा सारा पोर्शन है एंड दैट वे इलांगेटेड पोर्शन इज कॉल्ड एज बेसिकली द ट्रंक तो ये है इसकी बॉडी के हमारे पास कितने पार्ट्स तीन पार्ट्स जाहिर है जो हमारी कॉलर है वो मिड वाला पोर्शन है और जो ट्रंक है इट इज बेसिकली द पोस्टीरियर पोर्शन या पीछे वाला पार्ट है बॉडी का एंड इट इज वेरी मच इलोंगेटेड काफी लंबा सा पार्ट है अगर आप इसकी स्किन को देखेंगे तो इट्स स्किन इज वेरी सिंपल इट कॉन्सिस्ट ऑफ अ सिंगल एपिडर्मिस इसमें एक सिंगल लेयर है एपिडर्मिस की लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है प्लस इसलिए मैंने बहुत बड़ा प्लस यहाँ पे डाला आपको समझाने के लिए कि इसके पास प्रेजेंट है म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड तो इसकी वजह से इसकी स्किन जो है इट ऑलवेज रिमेन मॉइस्ट जाहिर है जहां भी हम म्यूकस रखेंगे तो उसके पीछे लॉजिक यही है कि उस पर्टिकुलर स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करना या उसे मॉइस्ट रखना इफ यू लुक एट इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम तो कॉमन सेंस आप खुद भी सोच के बता सकते हैं कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होना चाहिए सैक लाइक और ट्यूब लाइक वेरी एक्सेलेंट देयर डी एस एस ट्यूब लाइक इसका मतलब है कि ये माउथ से स्टार्ट होता होगा और ये जाके एनस पे खत्म होता होगा कॉमन सेंस इट विल स्टार्ट फ्रॉम द माउथ And it will terminate at NS and it has got variations in the terms of organ and their structures and the type of the enzymes present in different parts of the body so you can find variations. Let's move to the next concept that is called the cellllum. What is basically cell is it the yes sir it is basically the true body cavity. तो जिसकी ट्रू बॉडी कैविटी है इट इज नॉट लाइक अस बिल्कुल एक ही चेंबर नहीं है बल्कि इसकी जो सिलोम है वो डिवाइडेड है इन टू डिस्टिंकट जोन्स जैसे कि आपको पता है कि इसकी बॉडी में तीन डिफरेंट जोन्स हैं एक प्रोबोसिस है एक ट्रंक है और एक उसका क्या है आ, 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 कॉलर तो इनके अंदर डिस्टिंट डिस्टिंग डिविजन में प्रेजेंट है वॉट सिलोम और उस पर्टिकुलर जोन में भी सिलोम एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ नहीं प्रेजेंट है बल्कि उसके अंदर हमें नज़र आती है पाउचेस तो हमें सिलोम रिड्यूस नजर आती है ऑल दो तमाम सेगमेंट्स में प्रेजेंट है और इन फॉर्म ऑफ पाउचे नजर आती है एक ही चेंबर हमारे पास प्रेजेंट नहीं है ये बात आपने बहुत ज्यादा ध्यान से माइंड में रखनी है एंड सर्कुलेटरी सिस्टम तो सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत सिंपल है इसके एक ऊपर ब्लड वेसल है डोसल साइड पे दैट इज कॉल्ड एज अ डोसल ब्लड वेसल एंड वन इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड तो जाहिर है हम लोग उसे क्या नाम बोलेंगे वेंट्रल ब्लड वेसल वेंट्रल ब्लड वेसल एंड इट हैज गॉट अ सिंगल हार्ट एंड इफ यू लुक एट इट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत सिंपल यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे क्या होने चाहिए ऑर्गेनिज्म पानी में रहता है तो डेफिनेटली गिल्स होने चाहिए तो गिल्स आर प्रेजेंट एंड देयर प्रेजेंस कैन बी डिमार्केटेड बाय मींस ऑफ द गिल एपर्चर और ये जो हमारे पास उसके गिल एपर्चर्स हैं दे आर लाइंग जस्ट बिहाइंड कॉलर तो ये आपको कॉलर के पीछे सीरीज ऑफ नजर आ सकती है गर्ल्स पर्टिकुलर लुक एट दिस इमेज और इस पर्टिकुलर इमेज में हम इस पर्टर uh, जोन को के जिसमें गर्ल्स प्रेजेंट है उस पर हम इस वक्त फोकस कर रहे हैं एडिफी लुक एट एक्सिक्यूटिव सिस्टम जैसे मैंने अभी बोला कि एक्सक्यूश एक्सकूशन इज टेकिंग प्लेस बाई मीन्स ऑफ द फ्रीडिया और जो इसके रेफ्रीडिया हैं दे कॉन्सिस्ट ऑफ जस्ट अ सिंगल ग्रोमेलस जैसे मैंने बोला कि ये बहुत ही सिंपल किस्म के क्या हैं एक्सीटी सिस्टम के मालिक हैं और एक्सीटी सिस्टम डेफिनेटली उसके प्रोबोसिस में एग्जिस्ट करता है एंड फाइनली वी वांट टू डिस्कस अबाउट इट्स नर्वस सिस्टम और जब हम इस नर्वस सिस्टम की बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स इट इज वेरी सिंपल और इसमें बेसिकली प्लक्सेस हैं प्लक्सेस क्या होता है एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन्स जब बहुत से न्यूरॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे तो हम उसे बोलेंगे प्लक्सेस तो ये हमारे पास सब एपिडर्मल एपिडर्मिस के नीचे सब का मतलब होता है नीचे एपिडर्मल का मतलब एपिडर्मिस के नीचे प्लक्सेस हैं ठीक है प्लस यहाँ पे क्या प्रेजेंट है फाइबर्स और ये वाली चीजें यानी कि प्रेजेंस ऑफ फाइबर और प्लक्सेस ये आप लोगों को वर्टिब्रेट्स में नज़र आती है और इनवर्टिब्रेट्स में नज़र नहीं आती इसके अलावा अगर मैं इसकी डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स की बात करूँ तो वो वाली चीज़ें भी हमें ज़्यादा नज़र आती हैं कॉर्डेट्स से मिलती हुई प्लस अगर मैं इसके रेस्परेटरी ऑर्गन की बात करूँ तो वो भी ज़्यादा मुझे क्लोज नज़र आता है किसके कॉर्डेट्स के और दूर नज़र आता है इनवर्टिब्रेट्स के देर फोर मैंने इस पर्टिकुलर फाइलम हेमिकारडेटा को कहाँ से दूर रखा हुआ है डेफिनेटली इनवर्टिब्रेट्स से और बहुत किसके पास रखा हुआ है स्कॉर्ड्स की सो आई होप कि ये वो बातें हैं जो आप लोगों की बुक में प्रेजेंट है और आपको डेफिनेटली इनसे कोई फायदा हुआ होगा इस बात के साथ कि आप इस नॉलेज को यूज़ करके कोई ना कोई अच्छा मार्क ले जाओ मेरे कॉलेज में ले जाए आई वॉन्ट टू से यू बाय बाय अल्लाह हाफ़िज।